नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है साइन ए जो है और फिर सेक ए फिर टैन ए, इसको क्या करना है? कोट के पदों में व्यक्त करना है। जैसे हम एक बार गए थे जहाँ गेहूँ पिसाता है वहाँ पे गए थे तो देखे कि एक लड़का था जो गेहूँ भी रखा था, चावल भी रखा था, चना भी रखा था, मक्का भी रखा था, यानी बहुत तरह का वह सामान रखा था। वह मिल वाला से क्या कहा, ये मिल वाला भैया एक काम करो, मेरा जो ये गेहूँ है उसके आटा के रूप में दे दो, फिर चावल है उसको भी आटा के रूप में कर दो, फिर मक्का है इसको आटा के रूप में कर दो, फिर चना है इसको आटा के रूप में कर दो। यानी वह क्या कहा कि मेरे पास जो सामान है इसको आटा के रूप में कर दीजिए। सेम उसी तरह यहाँ भी ये क्वेश्चन उसी तरह का आ रहा है। साइन, सेक, टैन ये तीनों जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, इस तीनों निष्पत्तियों को क्या कह रहा है क्वेश्चन? कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ठीक उसी तरह जिस तरह वह आटा बन रहा है। जैसे एक मशीन था, मशीन में रखे और वो आटा बनाकर दे दिया, तो सेम उसी तरह यहाँ भी फार्मूला एक मशीन है जिसको रखेंगे और वह कॉट बना देगा। ठीक है, साइन से हम कॉट में जाएंगे, फिर सेक से कॉट में जाएंगे, फिर टेन से कॉट में जाएंगे, सेम उसी तरह। तो इसको कैसे बनाना है चलिए इसको बताते हैं। ठीक है, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो दोस्तों चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद इसको इसको और इसको क्या कहा, यानी साइन ए, सेक ए और है टैन ए, इस तीनों को क्या किस में करना है? कॉट ए में करना है। तो सबसे पहले हम साइन लेते हैं। ठीक है, साइन लेते हैं, साइन को किस रूप में ले जाना है? कॉट में, यानी साइन को ऐसा तोड़ना है कि सिर्फ वहाँ पे कॉट ही नज़र आए, दूसरा कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ नज़र ना आए। ठीक है, तो साइन से एक रिलेशन आता है कॉसेक, और कॉसेक से सीधा रिलेशन है कॉट से। तो सबसे पहले साइन से जो रिलेशन है वह फार्मूला लिखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे लिखाएगा 1/cosec a, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वही चीज़ लिखा जाएगा, यहाँ पे ए है तो ए लिखा जाएगा, थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं। तो ये हो गया, अब cosec से रिलेशन है कॉट का, तो वह फार्मूला लिखते हैं। तो एक मेन फार्मूला है 1+cot² θ बराबर cosec² θ, यहाँ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला से हमको कॉट में जाना है। तो यहाँ पे cosec है तो यहाँ पे भी cosec है लेकिन स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे इसको cosec बनाएंगे, सिर्फ cosec बनाना है। तो ये जो फार्मूला है इसको बनाते हैं, इधर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इस साइड से हटाएंगे तो बराबर किस साइड आएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो 1+cot² हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1+cot² θ, और इधर हो जाएगा cosec θ, तो cosec θ बराबर हो गया रूट अंडर 1+cot² θ। तो यहाँ पे ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, नीचे cosec है तो cosec बराबर यहाँ पे आया है रूट अंडर 1+cot² θ, तो cosec बराबर वही लिखाएगा रूट अंडर 1+cot² θ है, तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे जो रहेगा वही लिखाएगा, ये है तो यहाँ पे ए लिखाएगा, तो ये आ गया cot। ये फार्मूला आपको अगर याद नहीं होगा तो मेरे सर के ऊपर एक पट्टी चल रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वह फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उस फार्मूला को सही से समझ सकते हैं कैसे याद करना है, और वह फार्मूला कैसे आया वो सब उसमें पता चल जाएगा। तो इसको क्लिक कीजिए और जानिए।
फिर दूसरा चलते हैं, यहाँ पे शेख है, तो शेख को अब कोर्ट में ले चलते हैं। यहाँ पर लिखाएगा शेख ए, तो हमको शेख से जाना है कोर्ट में, तो शेख से रिलेशन वाला फार्मूला देखेंगे कोर्ट तक कैसे जाएंगे। तो शेख का रिलेशन टेन से है, टेन का रिलेशन कोर्ट से है, तो यहाँ पे लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है शेख स्क्वायर थीटा। यहाँ शेख से रिलेशन टेन का हो गया, ठीक है। तो हमको सिर्फ शेख है यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे इसको उस रूप में बनाएंगे, इसको शेख बनाना है तो स्क्वायर इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया तो यहाँ पर रूट हो गया, फिर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर इधर हो जाएगा शेख थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पर ए है तो यहाँ ए लिखेंगे। ये हो गया शेख से आ जाए टेन में, अब टेन से कॉट का रिलेशन होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है वन बाई कॉट थीटा, ये रिलेशन होता है। तो जहाँ जहाँ टेन होगा वहाँ पे हम वन बाई कॉट रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर है ए, तो स्क्वायर को क्या करते हैं इस तरह लिख देते हैं, अब रूट अंडर वन प्लस तो टेन ए बराबर हो जाएगा यहाँ है वन बाई कॉट थीटा, तो उसी को लिख देंगे, वन बाई कॉट थीटा होता है लेकिन यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, फिर इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को लिख देंगे। अब वन प्लस वन का स्क्वायर वन और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम करेंगे यानी बट्टा वाला जोड़ करेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए और वन का एलसीएम करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही होगा, और वन से इसमें भाग करेंगे तो यही मान आएगा, और इस मान को फिर ऊपर वाला एक में गुना करेंगे तो वही आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर ये कॉट स्क्वायर से इस कॉट स्क्वायर में भाग करेंगे तो वन आएगा, और वन से ऊपर वन में गुना होगा तो वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रूट जो है ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, रूट अंडर ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, और नीचे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, और नीचे जो स्क्वायर है ये रूट को हटा देगा, सिर्फ कॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आया ये भी कॉट हो गया, यानी शेक बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉट ए, ये एक हो गया। उसके बाद टेन है, ठीक है, तो टेन का सीधा रिलेशन है वन बाई कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वन बाई कॉट थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट ये आ गया, तो ये इस तरह बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जो फार्मूला का लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करें और उस फार्मूला को जानें, ये कैसे ये फार्मूला आया और ये कैसे याद होगा, और फिर इस फार्मूला को याद करना है तब यह बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और बाकी सब दोस्तों को भी